हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, 2023 में ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ पहले तो टेस्ट मैच हम हारे वर्ल्ड कप, दूसरा है वर्ल्ड कप जो था ओडीआई वाला वो हारे, और अब 24 का शुरुआत होते साथ हमारे अंडर 19 के बॉयज़ लड़के वो भी नाक कटवा दिए। हालांकि ये पूरा जो सीरीज था अंडर 19 का, इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किए, लेकिन आज जब फाइनल मैच सब हग दिया सब, यही क्या इनको मतलब समझ में नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया को इतना आसान टीम नहीं समझिए। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया क्या है ना, वो उसको पता है कि वो कहाँ पे उसको चमकना है और कौन सा मैच उसके लिए है। फाइनल फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस 3 गुना बढ़ जाता है एकदम बाकी सब मैचों से, जो कि आज हमको देखने को मिला। यहाँ पे 79 रन से हरा दिया अंडर 19 अपना इंडियन प्लेयर सबको। ऑस्ट्रेलिया पहले इंडिया का एक्चुअली क्या हो रहा था कि 3 मैच इस सीरीज में ऐसा था कि 200 रन के ऊपर उन्होंने जीता है। काफ़ी अच्छा खेले इन लोग ने। आज जब टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया तो बैटिंग खुद करने के लिए निर्णय कर लिया, क्योंकि पता था उसको कि इंडिया का प्लेयर लोग बहुत अच्छा टोटल दे रहा है, बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया बैटिंग। फिर फर्स्ट बैटिंग में उन्होंने 253 रन 7 विकेट खो करके उन्होंने बनाया। इंडिया का जब बैटिंग लाइनअप आया तो किसी में वैसा कॉन्फिडेंट दिख ही नहीं रहा था कि आज मतलब उतरे हैं वर्ल्ड कप का फाइनल मैच में उतरे हैं, ऐसा लग रहा नहीं लग रहा था। के साइड से आज दोस्तों जो जो पिछले जितने भी मैच में रन मारे थे उनमें आज हमें उम्मीद था, वो सब में से किसी में से एक भी नहीं चले। मुशीर खान 22 रन पे आउट हो गए। उदय जो कैप्टन है इंडियन अंडर 19 टीम के, उन्होंने भी 8 रन बना करके चले गए। पिछला जो मैच जो सचिन दास की वजह से जीते थे वो भी आज 9 रन बना करके पवेलियन चले गए। तो दोस्तों, इंडिया का ऐसा क्या हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के सामने आकर के जो मतलब हक देते हैं फाइनल में ही सब। आज 2023 के बाद सोचे थे कि कुछ रिवाइव करेंगे ये वर्ल्ड कप जीत करके, हालांकि वैसा फीलिंग्स तो नहीं आएगा, बट फिर भी अंडर 19 का भी वर्ल्ड कप मायने रखता है। ऑस्ट्रेलिया था बेसिकली इसलिए मायने रखता है, बट यहाँ पे भी हक दिए सब फाइनल में ही। हालांकि पहले इंडिया अंडर 19 अच्छा खासा 2 बार हरा के फाइनल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया को जीता है वर्ल्ड कप, 2012 और 2018 ऑस्ट्रेलिया टीम को ही हरा करके वर्ल्ड कप जीता है। बट देखिए आज, और जबकि अंडर 19 का अच्छा रिकॉर्ड रहा है, 5 बार वर्ल्ड कप जीता अंडर 19, और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 3 बार, आज मिला के चौथा बार होगा ऑस्ट्रेलिया का अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने का किताब। सो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया टीम क्यों हमेशा ऐसा एग्रेशन में हो जाता है फाइनल में आकर, क्योंकि उनके अंदर देश के लिए एकदम झोंक देने वाला प्रेरणा होता है फाइनल्स में। वो सोचते हैं कि अगर हम फाइनल तक आ गए हैं ना, जी जान लेकर के लगा देंगे, एकदम पूरा ट्रॉफी लेकर के ही जाएंगे। और ये सिर्फ मेंस तक नहीं रह गया है, वोमेन वोमेन ऑल्सो, दोनों डोमिनेट किए हैं पूरा आईसीसी जितने भी सब टूर्नामेंट्स होते हैं, मैन एंड वोमेन। सो दोस्तों, क्या ही बोलना है अब इन लोगों के बारे में। अभी अभी यूथ हैं, अभी अभी मतलब इनको अच्छा मौका था कि अच्छा करके इंडिया टीम में अच्छा का सब जगह बनाने का, और सब तो राम भरोसे बीसीसीआई ही है। बीसीसीआई का तो आप सिलेक्शन अब देख ही लिए हैं कि कैसा कैसा सिलेक्शन रहता है, अतः पता नहीं रहता है किसको क्या लेना है, कब किस इम्पोर्टेंट मैच में किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है, कुछ नहीं पता होता। सो दोस्तों, चलिए एक और सैड न्यूज, हम हार गए 79 रन से। कुछ नया नहीं है, सेम वैसे ही जैसे 2023 में था, 2024 में इंटर आप इसी तरह की है। सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।